उनको भी समाप्त किया गया, बट जल्दी वो भी नॉक किए जाएंगे। डियो अकेले वहां पे फंस गए, जोनाथन यहां पे मौजूद थे, MG3 का उन्होंने इस्तेमाल किया बट खिलाड़ी को वो नॉक नहीं कर पाए। जाते जाते उन्होंने नियो को समाप्त तो किया। इस पावर कैस्ट डाउन एज़ वेल। कैसे आपको नहीं पता कि पीछे कोई टीम हो सकता, बट जोनाथन बैक टू बैक उन्होंने दो नॉक निकाले तो सही और आसानी से दोनों को फिनिश किया जाएगा। तैयार है बट किसी को पता ही नहीं है कि उनके पीछे एक खिलाड़ी पहले से एक ग्रेनेड को करके बैठा हुआ है। वो ग्रेनेड थ्रो किया गया और देखते ही देखते वो टीम आपको बिखरते हुए नजर आएगी। यहां पे अगर देखा जाए ज़िगोट रिवाइवल अपेक्षा तो कर रहे हैं बट मुझे लगता नहीं कि जोनाथन यहाँ से इतनी आसानी से जा पाएंगे, मुश्किल बहुत है। एक्सपार्क भी वहाँ पे बट नियो इज ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग, तो सबको पता है प्लेयर का है, वो नॉक करेंगे दैट स्प्रे। और उसके बाद तो फिर औपचारिकता ही रह गई थी, मल्टीपल प्लेयर्स ने पुश किया और यहाँ पे अगर हम देखें गॉड लाइक जोनाथन काफी डिस्टेंस में स्प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट जेरी को टेक डाउन किया है, कंफर्मेशन भी चाहते हैं, दैट इज व्हाई ही इज गोना गो फॉर द अदर स्प्रे। लेकिन वहां पे और भी खिलाड़ी और थर्ड पार्टी भी आता हुआ, इट सीम्स लाइक ओ माय गॉड, स्प्रे कर रहे थे राइट के ऊपर, यूट्यूब लाइव यूट्यूब इविल के ऊपर शॉट कनेक्ट हो चुका है। राइट जेली का कंफर्मेशन तो आया, राइट सार भी कंफर्म होते हुए। ये एक क्रूशियल फ्रैग था, जैन लाइट ने निकाला जरूर था बट उसके बाद कन्वर्जन की जरूरत थी, जहाँ पे टीम के सपोर्ट की जरूरत थी वहाँ थोड़ा सा देखे यहाँ पे ना एक्सपीरियंस की कमी जो देखने को मिलती है ना वो क्लियरली यहाँ पे इट वाज अ गुड इंस्टेंस। कोई बात नहीं, बाकी सारी टीम्स को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा और जैन को ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब में वो अपने अपोनेंट जैन को बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं। चलिए डैमेज वहाँ पे पड़ा बट जोन के बाहर की फाइट 300 मीटर हम सब जानते हैं आसान बिल्कुल भी नहीं होता। सैनुक में 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना एक और नेट सालन के थ्रू गया जरूर है बट प्लेयर भागने की कोशिश कर रहे थे। वैसा साल बन गया, टेस्ट की बात करने ही वाला था कि चौथे पायदान पे एलिमिनेट हुए बट इन सबके बीच में आप देखें टीम एक्सपार्क जिनके पिछले दो मुकाबले नपे तुले थे, उतना अच्छा नहीं खेला था उतना खराब नहीं खेला था बट टीम एक्सपार्क उनको ये मुफ्त का विनर विनर चिकन डिनर मिल सकता है। थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गए, थोड़ा सा बाहर गए बट यहाँ पे स्पॉट किया गया उनके प्लेयर्स को सारंग के द्वारा। ये क्या हो रहा है, इसी को वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, एक पेड़ उनको मिला था यहाँ पे, एस पावर जा चुके थे, बोलोटोव भी आएगी, एस पावर अपने आप को हील कर चुके हैं, नेड उनके पास एक और बोलोटोव आएगी, नेड की कोई कमी यहाँ पे है नहीं, एस पावर को स्पॉट करा जाएगा, आसानी से खत्म करा जाएगा, एक चिकन मिलेगा। Third time was not the chance. तीसरे प्लेयर ने टेक डाउन किया, जोनाथन को बचा नहीं पाए बट अभी के लिए टीम गॉडलाइक बहुत सारे फ्रैग्स लेके। The Prince of Godlike is attacking right now. देखते हैं वो नेड के साथ कितना डैमेज देंगे, नीचे प्लेयर था उन्होंने देखा नहीं, शायद अब देखा और अब अपनी M4 में शिफ्ट करेंगे बट तब तक वो प्लेयर कवर में जाएगा कि नहीं, उसको आराम से खत्म कर दिया जाएगा।